डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक के बाद बड़ा एक्शन। डेंगू के प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम जिला प्रशासन पूरे लखनऊ में चलाएगी विशेष अभियान। शहर के 110 वार्डों में किया जाएगा फॉगिंग एवं लार्वा दवा का छिड़काव। हरी झंडी दिखाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे रवाना। डेंगू को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा डेंगू पर नियंत्रण के लिए सरकार नगर निगम को और काम करने की जरूरत। फॉगिंग के नाम पर केवल औपचारिकता न हो, फॉगिंग के काम में तेजी लाए। निर्वाचन आयोग के रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया फैसला। उपचुनाव की तैयारियां तेज। 5 जनवरी तक आचार संहिता लागू। कलेक्ट्रेट में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। मैनपुरी उपचुनाव के लिए आज से होगा नामांकन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सपा रालोद मिलकर लड़ेंगे रामपुर और मैनपुरी सीट का उपचुनाव। खतौली में रालोद का प्रत्याशी होगा। मदरसे सर्वे में 60 जिलों में 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले। वही रिपोर्ट समय पर मुहैया कराने के सख्त निर्देश मिले। IIT के अर्थ साइंस विभाग के वैज्ञानिक का दावा, उत्तराखंड में आया भूकंप तो कानपुर में मचेगी तबाही। सिद्धार्थनगर में भूमि अधिग्रहण की रफ्तार तेज तो संत कबीर नगर में सुस्त, अब DM प्रेम रंजन देंगे गति। ताज के रात में दीदार के लिए ऑनलाइन बुक हो सकेगी टिकट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। ताज नगरी में 10,000 बंदरों की नसबंदी में खर्च होंगे 3.48 करोड़ रुपए, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ताजमहल के 500 मीटर दायरे में नहीं हटेंगी दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।